अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब कुछ ठीक ठाक के खैर हाल होंगे। फ्रेंड्स, आज है सैटरडे, आज थोड़ी सी देर से उठी हूँ, 12 o'clock हो रहे हैं अभी उठी हूँ। एंड कमरे की हालत बहुत बुरी हो रही है, कमरा भी ठीक करूँगी एंड नहाऊँगी, मम्मा की हेल्प करूँगी और ड्रेसिंग टेबल ठीक करूँगी और शूज़ मैं आप लोग को अपने कपड़े भी दिखाऊँगी, अपनी मैक्सी वो भी मैं आप लोग को दिखाऊँगी अभी आज, ठीक है ना। और शूज़ मैंने अब तक बाई नहीं किए, वो जब मैं बाई करने जाऊँगी कोशिश करूँगी कि व्लॉग बनाऊँ। तो अभी मैं तो जा रही हूँ, क्या करने, रूम पहले ठीक कर लेती हूँ, सो लेट्स गो। मेड आई है बट वो जो है नीचे कपड़े धो रही है, ठीक है ना। तो मेड डॉग बहुत दूर है तो नजर नहीं आ रहा होगा, मैं अब कहाँ रखूँ, मेरा स्टैंड टूट चुका है इसलिए, वरना अगर स्टैंड होता अभी मेरे पास तो मैं आप लोगों से शूट कर लेती मैं नजदीक से, बट मेरा स्टैंड टूट चुका है। एंड ये मेरे बेड में मुझे एक हेयर पिन मिली है तो अपने बालों में लगा लेती हूँ, फिर मेरे बाल मुझे इरिटेट करते हैं। मैं बेड ठीक कर रही हूँ कुछ इस साइड से कुछ उस साइड से एंड फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा आप लोगों को। गाइस, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कितनी वीडियो बन गई है, 1 minute की भी अभी कंप्लीट नहीं हुई, ठीक है ना, ताकि मैं ग्रो कर सके, मेरा चैनल ग्रो कर सके, ताकि मैं आप लोग की और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेकर आऊँ, ठीक है ना। तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अच्छा, अभी उस तरह से सर्दियाँ नहीं आई हैं कि हम लोग ब्लैंकेट्स पहने अभी, ठीक है ना। तो बस तो फिलहाल एसी चलता है, बट इतनी भी अभी सर्दी नहीं है कि हम लोग ब्लैंकेट्स पहने, चादर से हो जाता है। एक दिन हम लोगों ने एक दिन ठंड थी तो हम लोगों ने एसी बंद किया हुआ था एंड हम लोग ब्लैंकेट में सोए थे ना, तो उस दिन मुझे गर्मी लग रही थी तो बस फिर मैंने वो हटा के चादर पहन ली, ठीक है ना। मैं दूसरा भी ठीक करूँगी। कहाँ रखूँ मैं मोबाइल, किस तरह आप लोग को, एक मिनट, मेरे पास एक जगह है, जगह आ गई है, एक मिनट, ऐसे लाइक दिस, बट ठीक नहीं हो रहा गाइस। कपड़े धोने आई हुई है एंड ये हमारे नीचे वाली कुछ जगह जो गंदी रहती है हमेशा, नीचे का बेटा है, ठीक है ना। तो कपड़े धो रही है एंड ये वाली सीढ़ी हमारी हमेशा गंदी रहती है। यहाँ पर कुछ ये मेरे फेवरेट प्लांट्स हैं, मैं कह रही जाके शीट बिछाओ क्योंकि डाइनिंग टेबल जो है उसकी वो जो लकड़ी थी ना वो टूट गई, तो वो हम लोगों ने बेसमेंट में रखा है, मैं शीट बिछाऊंगी लाउंज में, ठीक है ना। शीतरू मैंने ऑलमोस्ट क्लीन कर दिया है, वैक्यूम मैंने लगा लिया है और ये मैंने कर लिया है, वहाँ पर पड़ा है मेरा बैग और ये है मेरी मैक्सी, ठीक है ना। मैंने फंक्शन के लिए एक मिनट, वीडियो में तो इतनी अच्छी नहीं दिख रही है बट ये बहुत प्यारी है, ठीक है ना। अब चलते हैं लाउंज की तरफ कि लाउंज में क्या क्या होता है करने को। मैं आ गई यहाँ पर शीट बिछाने और पता नहीं आज मम्मा ने लाइट्स क्यों ऑफ की हैं, लाउंज में धो रही थी बट मम्मा ने बोला कि साफ़ है तो नहीं धो रही। मेरा भाई जो है ना अभी तक सो रहा है क्योंकि आज उसकी ऑफिस की छुट्टी थी ना, तो लेट नाइट तक फिर सोया होता है। माज भाई पास शाबा वस्ते लेट थे, दो गुरा 12:10 शू। अरे जो आज हमारा नाश्ता बहुत सिंपल है, थोड़ा नहीं बल्कि बहुत सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा। आज मलाई है, जैम है, एग है, पराठा है और चाय है बस, वरना तो मम्मा ऑमलेट भी बनाती है एंड
करती मम्मा कुछ भी, बट आज बहुत सिंपल है। आशीष तो फ्रेंड्स अभी मम्मा ने बोला है कि वो करो किचन पर वाइपर लगाओ, उसमें पानी डालिए कि मेड जो होती है वो वीक में एक बार आती है। एंड आज मम्मा की तबीयत ख़राब थी तो मैंने मम्मा को बोला कि मैं कर दूँगी, ठीक है ना। अब हमारी मम्मा इतना कुछ करती है तो आप लोगों को ये भी चाहिए कि आप भी अपने मम्मा के साथ हेल्प किया करें, अपनी मम्मा की हेल्प किया करें। तब आप लोगों को पता है आप जब अपनी मम्मा की हेल्प करते हैं ना, वो आप उनके दिल से आपके लिए इतनी अच्छी अच्छी दुआएँ निकलती है ना कि आप लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इतना सवाब मिलता है कि आप लोग जब अपने पेरेंट्स के साथ काम में हेल्प करते हैं। तो मैं तो जा रही हूँ अभी हेल्प करने, आप लोग भी किया करें। ओके ठीक है ना, अब मैं लगाऊंगी वाइपर, ठीक है ना, क्योंकि अभी पानी डाला है एंड वाइपर लगाए। गाइस आप लोग मेरा व्लॉग पूरा देखा करें ताकि व्यूज तो बढ़े ना। आप लोग हाफ देखते थे फिर उसमें व्यूज बिल्कुल भी नहीं आते, क्योंकि मैं कल अपने चैनल खोल के बैठी हुई थी तो उसमें वन वन ईयर अगो वीडियोस थी तो उसमें सिर्फ 59 और 60 व्यूज थे। व्हाट इज दिस? मैं जो जितने भी सब्सक्राइब वो देखती हूँ ना यूट्यूबर्स, उनके टू मिलियंस व्यूज होते हैं एक वीडियो पर। और हालांकि उन्होंने 2 hours अगो अपलोडेड, 1 hour अगो, 1 day अगो, इस तरह होते हैं तो उनके 2 million एंड 1 इतने ज़्यादा। एंड मेरे तो मैं तो आप लोग क्यों ऐसा करते, मेरा 1 year अगो था एंड इस पर सिर्फ 59 or 60 व्यूज थे। तो प्लीज़ कोशिश करें ताकि आप लोग मेरे चैनल को, ताकि मेरा चैनल ग्रो कर सके, मैं और अच्छी अच्छी वीडियोज़ ला सकूँ। और आप लोग व्लॉग पूरा देखिएगा, ठीक है। तो लाइट नहीं थी तो मैंने विंडोज़ से जो पर्दे थे वो हटाए। सामने कुछ लोग काम कर रहे हैं एंड एक चीज़ दिखाती हूँ, वो देखें कि मेरा यूनिफॉर्म धुल रहा है, ये देखें। अब मैं जा रही हूँ नहाने क्योंकि मेरे बालों पे ऑयल लगा हुआ है, तो मैं मिलती हूँ आपसे, ठीक है। गाइज फिर मैंने बात ले लिया एंड मैं निकल आई एंड उसके बाद मुझे जम्बूरी ने काटा भी। तो वो बर्फ़ नहीं होती जो बारिश में गिरती है, तो उसका जो पानी होता है ना वो जब आप डालें ना उसके ऊपर बहुत अच्छे से मतलब ठीक हो जाता है, जलना बंद कर देता है। मैंने वो डाला तो अभी मेरा पाँव बिल्कुल ठीक हो गया। पाँव की ये थम वाली उंगली पर मुझे काटा था, पाँव की थम वाली उंगली, ठीक है। तो अभी तो नहीं जल रहा। और आप लोग सोच रहे हैं मैंने इतना टेंशन मोशन क्यों मारा है। अच्छा जी, उसके बाद फिर मैंने लंच किया है और मैं रो रही थी, मैंने लंच किया है। एंड आप लोग सोचेंगे कि मैंने इतना टेंशन मोशन क्यों मारा है। मैंने टेंशन इसलिए मारा है क्योंकि मेरी जो खाला की बेटी है उसका आज निकाह है, तो मैं जा रही हूँ निकाह के लिए। एंड ये मेरी कज़न ने मुझे दिया था ब्रेसलेट और रिंग, तो मैंने पहने हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप आप लोग को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। बाय बाय।